अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर कंप्यूटर लेक्चर। टुडे द डेट 25 अप्रैल 2020 एंड डे सैटरडे। यूनिट नंबर 2, टॉपिक क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। इसमें हमारे पास डिफरेंट टॉपिक दिए हुए हैं जिनकी हमने डेफिनेशंस राइट करनी है। फर्स्ट है हमारे पास स्पीड ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की स्पीड। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्टेस्ट मशीन, इट परफॉर्म्स इट्स वर्क वेरी क्विकली। कंप्यूटर इज़ वेरी फास्टेस्ट मशीन, इट परफॉर्म्स इट्स वर्क वेरी क्विकली। सेकेंड है हमारे पास डेलीजेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। इट कैन डू वन जॉब अगेन एंड अगेन। कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड। कंप्यूटर एक मशीन है जो कि नेवर गेट टायर्ड और बोर्ड, जो कि बोर नहीं होती और ना ही थकती है, बार बार एक ही काम को बार बार परफॉर्म करती है। इट कैन डू वन जॉब अगेन एंड अगेन, एक ही काम को बार बार परफॉर्म करती है लेकिन कंप्यूटर ना थकती है और ना ही बोर होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर। आंसर, कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज मेमोरी, इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। कंप्यूटर हैज़ वेरी लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी जो है वो बहुत लार्ज है, बहुत बड़ी है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जिसके अंदर हम बहुत सा डेटा स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी पार्ट हमारे पास, टाइम सेविंग। कंप्यूटर सेव आवर टाइम बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। नेक्स्ट वन है एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज़ वेरी एक्यूरेट मशीन, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेट रिजल्ट इफ़ डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर करेक्ट। बेटा ये हमारे पास 5 डेफिनेशन हैं जिनको आपने राइट करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, और सब ने बेटा नीट राइट करना है। और ये आपका पूरे वीक का वर्क है, सब ने अच्छे तरीके से राइट करना है और फिर मुझे चेक करवाना है। तमाम स्टूडेंट्स ने मुझे चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज़।